हेलो दोस्तों, अचीवर्स आईक्यू एजुकेशन की डेली करंट अफेयर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, सीरीज को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन हैं नजीब मिताकी या मुस्तफ़ा अदीब या मिसेल या जोसेफ। दोस्तों, वीडियो को पॉज करें और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर पोस्ट करें। चलिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी इज़ मुस्तफ़ा अदीब। जर्मनी में लेबनान के राजदूत मुस्तफ़ा अदीब को संकटग्रस्त लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। लेबनान में हुए विस्फोट के कुछ दिनों बाद ही प्रधानमंत्री हसन दीब की सरकार ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया था। लेबनान की राजधानी बेरूत में स्थित है और यहाँ की मुद्रा लेबनानी पौंड है। चलिए चलते हैं हम आज के अपने दूसरे क्वेश्चन पे। और आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में एस पद्मावती का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से जुड़ी थी? ऑप्शन है इंजीनियर या स्वास्थ्य या लिटरेचर या संगीत। चलिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी इज स्वास्थ्य। प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस पद्मावती का 103 वर्ष की आयु में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। वह भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी जिन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता था। यह नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की संस्थापक थी। इनका जन्म तत्कालीन वर्मा और वर्तमान म्यांमार में दुनिया के स्पेनिश फ्लू महामारी की चपेट में आने से एक साल पहले 1917 में हुआ था। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम आज के अपने अगले क्वेश्चन पे। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, गूगल असिस्टेंट्स पर चैटबॉट लीगो किसने लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शन हैं बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड या एजोन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एंड लिमिटेड या भारती AXA लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड या ICICI प्रूडेंशियल लाइफ। चलिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी इज ICICI प्रूडेंशियल लाइफ। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने गूगल असिस्टेंस पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI संचालित वॉइस चैटबॉट लीगो लॉन्च किया है। इससे कंपनी के पॉलिसी धारकों को आसानी से वॉइस कमांड द्वारा अपने प्रश्नों का उत्तर ले सकेंगे। यह ग्राहकों के लिए उपयोग में आसान और सुविधाजनक सर्विस टच पॉइंट प्रदान करता है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD NS कन्नन हैं और इसका हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम आज के अपने अगले क्वेश्चन पे। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन हैं विजय कुमार चोपड़ा या अवीक सरकार या प्रमोद चंद्र मोदी या जय किशन। चलिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी इज अवीक सरकार। एमेरिएट्स संपादक और आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष अवीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। वह पंजाब केसरी अखबार समूह के मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा की जगह लेंगे। अवीक सरकार भारतीय पेंगुइन बुक्स पेंगुइन इंडिया के संपादक प्रबंध निदेशक बिजनेस स्टैंडर्ड्स के संस्थापक और ABP ग्रुप द्वारा 2003 में स्टार न्यूज़ के अधिग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं।
पीआईए का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम आज के अपने अगले क्वेश्चन पे। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन हैं हेमंत खत्री, या एलवी शरद बाबू, या घनश्याम दास, या मनोहर मेनन। चलिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, हेमंत खत्री। कोमोडोर हेमंत खत्री आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित भारत सरकार स्वामित्व वाले रक्षा शिप बिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यह रियर एडमिरल एल वी शरद बाबू का स्थान लेंगे। इससे पहले हेमंत खत्री HSL में रणनीतिक परियोजना के निदेशक के रूप में सेवा दे चुके हैं। हेमंत खत्री की HSL के CMD के रूप में नियुक्ति को 27 मई 2020 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा 1 सितंबर 2020 से 31 जुलाई 2025 तक उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक अथवा अगले आदेश तक मंजूरी दी गई है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 22 जून 1941 को हुई थी और इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है। चलते हैं हम आज के अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव टाइटल बुक किसके द्वारा लिखी गई है? हमारे ऑप्शन है अक्षय कुमार, या अनुपम खेर, या करण जौहर, या प्रसून जोशी। चलिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, इज करण जौहर। इससे पहले करण जौहर ने 2017 में एन अनसुटेबल बॉय शीर्षक से अपनी आत्मकथा का विमोचन किया था। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम आज के अपने अगले क्वेश्चन पे। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के नए चुनाव आयुक्त का पदभार किसने संभाला है? हमारे ऑप्शन है राजीव कुमार, या सुनील अरोड़ा, या मणिकांत शर्मा, या सार्थक सिंह। चलिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, इज राजीव कुमार। राजीव कुमार ने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इसके साथ ही वह मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्रा के साथ भारत निर्वाचन आयोग में शामिल हुए हैं। राजीव कुमार 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं, जिन्होंने भारत सरकार में 36 से अधिक वर्षों तक सेवा की है। उनके पास सामाजिक क्षेत्र, पर्यावरण और वन, मानव संसाधन, वित्त और बैंकिंग क्षेत्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों का समृद्ध कार्य अनुभव है। वह फरवरी 2020 में भारत सरकार के वित्त सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए और इसके बाद अप्रैल 2020 से 31 अगस्त 2020 तक सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, मेड बोट मेडिकल ट्रॉली किसके द्वारा शुरू की जा रही है? हमारे ऑप्शन है इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा, या इंडियन रेलवेज के द्वारा, या हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, या इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा। चलिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, इज इंडियन रेलवे के द्वारा। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने में मदद करने के लिए मेडबॉट नामक एक रिमोट चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की है। भारतीय रेलवे कोरोना संकट के दौरान लोगों को परिवहन सुविधा और खाद्यान्न जैसी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने के अलावा कोविड-19 रोगियों को सुविधा प्रदान करने के कार्य में भी लगी हुई है। यह वर्तमान में भारतीय रेल के डीजल रेल इंजन कारखाने के केंद्रीय अस्पताल में सेवा प्रदान कर रही है।
केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। दोस्तों, यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको यूजफुल लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।